क्योंकि वे लोग पता ही नहीं कर पाए कि कौन सा हाथ मकड़ा का है, कौन सा हाथ मुद्रा का है और कौन सा हाथ सिद्धा का है। छह कहते हाँ आज ही प्रतीक्षा में है, आज ही प्रतीक्षा में है कि अपाय और इंसाफ। लोग कहते हैं ना भारत एक संवैधानिक देश है, भारत में आम आदमी को भी उतना ही अधिकार है जितना राष्ट्रपति को है, कानून के हाथ लंबे होते हैं लेकिन सही मानिए लेकिन फिल्मों में होते हैं, हकीकत में गरीब और गरीब तक ही हाथ जाते हैं। अगर इतना ही मेरे देश की व्यवस्था अगर इतनी ही मजबूत है, अगर इतना ही विश्वास है तो जाइए पहले कलिंग नगर उड़ीसा के उन छह कटे पंजे जो आज भी पड़े हैं उनको इंसाफ दिलाइए, उनका अंतिम संस्कार कीजिए। आज मेरी माँ की मेरी संगमी लेकिन लगातार लोग उठने का काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, यदि हम लोग सभी वोट के बंगाल चले जाएंगे क्या हम लोग बंगाली कहे जाएंगे? यहाँ जितने आज जगदलपुर में जितने लोग हैं आज इस सभा में, हम लोग यदि चले जाएंगे बंगाल क्या लोग हमें बंगाली कहेंगे? क्या वहां हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने दिया जा सकता है? क्या नौकरियां मिलेंगी? क्या नौकरियां वहां मिलेंगी? हम उड़ीसा जाएंगे क्या हमें उड़ीसा का माना जाएगा? हम बिहार जाएंगे क्या हमें बिहारी माना जाएगा? तो झारखंड सभ्यता क्यों भाई, झारखंड के लिए कानून क्यों नहीं? झारखंड सभ्यता ठीका लेकर रखा है क्या? कोई कभी आए किधर से भी आए एक बीता जमीन चुरा के भी ले ले झारखंडी कहा है? इतना अन्याय कहा है भाई, झारखंडियों के साथ इतना अन्याय क्यों? हमने कौन सा गुनाह किया है? हमने हमारा राज्य किस लिए लिया है? क्या हमने एक दिन में राज्य मिला है? 88 साल हमने संघर्ष किया है। 1912 में पहली बार झारखंड आंदोलन की गूंज हुई थी, हमें तुरंत जा रहा है 88 साल 88,000 लोगों का रक्त रहा है तब हमें झारखंड राज मिला है। हम सबको झारखंडी क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे सबको झारखंडी? झारखंडी जब हर व्यक्ति बंगाल में रहने वाला बंगाली नहीं, बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति बिहारी नहीं, तो झारखंड में रहने वाला हर व्यक्ति झारखंडी कैसे हो सकता है? और क्यों होगा? क्यों होगा? आज इसी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ये आवाज कोलांचल से उठा था, ये आवाज कोलांचल से उठा था लेकिन बिना कोल्हान के सहयोग से ये झारखंड तक नहीं फैल सकता। कोल्हान की माटी वीरों की माटी रही है, यहाँ के वीरों ने हम अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ाने का काम किया, इसी माटी में अनेक वीर हुए। तो मैं निर्मलता की एक पंक्ति को दोहराना चाहूंगा कि सवाल बनकर फिर उठूंगा जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए मेरे खून का हिसाब रखना, मेरे खून का हिसाब रखना। आज आवश्यकता है, आज फिर से आवश्यकता है आंदोलन को थार देने की। अगर आज नहीं लड़ते हैं, मैंने बार बार कहा है आई एम नॉट ए लीडर, आई एम ए फिलोसोफर विदाउट आई एम ए स्कॉलर ऑफ पीएचडी। मैंने बार बार कहा है कि मैं कोई नेता नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं फिलोसोफर हूँ, मैं आपको आपके भविष्य का दर्शन कराने आया हूँ कि नहीं लड़ते हैं तो क्या नुकसान है। सबसे पहला नुकसान, एक वेबसाइट देख रहे थे, उस वेबसाइट में लिखा है नौकरी के बारे में 12,500 वाक्य आसपास फैले थे, वो नौकरी मिलेगी जमशेदपुर में, नौकरी देने का काम जो कंपनी करेगी वो जमशेदपुर झारखंड में है, जो आके नौकरी करेगा जमशेदपुर झारखंड में करेगा, लेकिन नौकरी कौन करेगा पता है? वहां लिखा है एक लाइन में ओनली बिहारी कैंडिडेट्स आर अलाउड। इतना अन्याय दुनिया में नहीं हो पा रहा जितना अन्याय झारखंड में हो रहा है। पता नहीं कि कोल्हान जो वीरों की धरती नहीं है, यहाँ के वीरों ने इस स्थिति में हथियार कैसे लाए? आज ये लोग, ये बेईमान, ये दुराचारी लोग इतने यदि हावी हुए हैं तो कहीं ना कहीं लोग के साथ हमारी वीरता में दीमक लगा है, घिना लगने का काम हमारी वीरता में हुआ है, इसलिए आज ये लोग हावी है। वरना जो माटी वीरों की थी किसी का सांस नहीं था, आग से नाम मिला। एक बात बताइए, यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट सबके घरों में है ना? सबके घर के बच्चे पढ़ते